हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैडीज क्विक किचन। फ्रेंड्स, हम सबको ही पकोड़े खाना बहुत पसंद है, तो आज हम सीखेंगे मॉनसून स्पेशल मूंग की दाल के पकोड़े। मूंग की दाल के पकोड़े हम सर्व करेंगे मिंट चटनी, पुदीने की चटनी या कोकोनट चटनी के साथ। तो आइए हम इस क्विकली रेसिपी को सीखते हैं जो बहुत ही इजीली बन जाती है, तो जो हम टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मूंग दाल को 6 से 7 घंटे तक भिगो के रखना है, फिर उसको दरदरा पीस लेना है। यहाँ हमने हरी मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है। साथ ही हमें चाहिए नमक, लहसुन ग्रेट किया हुआ, बेकिंग पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हींग। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। हम मूंग दाल को अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे और थोड़ा सा एयर उसमें आ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हींग, कुछ बारीक कटे हुए हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन। साथ ही हम डालेंगे इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए और विस्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब ये अच्छे से विस्क हो जाए और आपको लगे कि ये थोड़ा लाइट हो गया है, अब हम इसको फ्राई करने के लिए तैयारी करते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डीप फ्राई के लिए तेल को गरम करेंगे। अब अपने हाथों की मदद से छोटे छोटे बॉल्स बना के तेल में डाल देंगे। ध्यान रहे कि तेल गर्म होना चाहिए, वरना पकोड़े कढ़ाई में चिपक सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अब हम एक एक करके मूंग की दाल के बॉल्स को बनाकर तेल में छोड़ देंगे। एक बारी में 6 से 7 पकोड़ों को हम तेल में छोड़ सकते हैं। ध्यान रहे कि पकोड़े आपस में चिपके ना। गैस को हमें मीडियम से लो फ्लेम में रखना है ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना पकाए, वरना वो बाहर से तो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएगा। जब एक तरफ से थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हल्के हाथों से हमें पकोड़ों को थोड़ा सा चला लेना है और दूसरी तरफ से भी फ्राई करना है। बीच बीच में करछी की सहायता से हम इनको चला लेंगे ताकि चारों तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो के एंड में आपको और भी 2 एक्साइटिंग रेसिपीज़ मिलेंगी। जब ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तो इसको अच्छे से स्ट्रेन करके हम निकाल लेते हैं। अब हमारे गरम गरम पकोड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। इसको गरम गरम सर्व करें चाय टाइम पे टमाटर चटनी या मिंट चटनी के साथ। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें और हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट करके बताएं। फॉर मोर सच वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।